हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अस्टडी मित्र में। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोग डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से या बोले नेट, जेआरएफ यानी लेक्चरशिप या फिर टेट या सुपर टेट या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के। यह पहला क्वेश्चन है हमारा, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? ये जो नाथ साहित्य था इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो है वह है गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ। दूसरा क्वेश्चन है कि नाथों की संख्या जो मानी गई थी वह कितनी मानी गई थी? तो नाथों की संख्या जो मानी गई थी वह मानी गई थी 9, जिसमें थे आदिनाथ, जलंधर नाथ, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ और गेनीनाथ, नागेशनाथ, भारतीनाथ, चरपट्टीनाथ और रेवननाथ। तो ये सब जो थे 9 नाथों की संख्या है और इनका नाम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो काव्य की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो जो है एक प्रबंध काव्य है। पिछले पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इसको कि पृथ्वीराज रासो जो है कैसा काव्य, तो प्रबंध काव्य है ये। तो पृथ्वीराज रासो काव्य की रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो काव्य की रचयिता जो है वह है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल रासो काव्य के रचयिता कौन है? तो परमाल रासो काव्य के रचयिता है जगनिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक की रचयिता कौन है? संदेश रासक जो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वह है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश जो है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो काव्य के रचनाकार कौन है? विशलदेव रासो जो है एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है वह है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है वह है अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो काव्य किस शैली में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो जो है किस शैली में लिखा गया? तो यह एक पिंगल शैली में लिखा गया है, जिसमें कि मिश्र ये ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो यह पिंगल शैली में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल काव्य किस काल में लिखे गए? तो मंगल काव्य जो है वह किस काल में लिखे गए? तो यह जो लिखा गया था आदिकाल में, आदिकाल में जो है मंगल काव्य लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वह स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ल लिटरेचर इन द ए हिंदुस्तानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो कितने सर्गों में विभक्त है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वह है 69 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में? 69 सर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं मौलाना दाऊद। इसके रचनाकार कौन है? मौलाना दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका बेटा किसकी बहू? आप सवारत मिलिया सहू। यह जो पंक्ति है यह किनके द्वारा रचित है? तो यह जो रचित है चरपट नाथ द्वारा रचित है। किनके द्वारा? चरपट नाथ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के भभूति कौन है? यानी कि अपभ्रंश के भभूति किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश के भभूति कहा गया है। जहाँ अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू हैं तो यहाँ जो है अपभ्रंश के भभूति कौन है? पुष्पदंत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो काव्य का काव्य रूप क्या है? बिसलदेव रासो का जो काव्य है इसका काव्य रूप क्या है? तो इसका काव्य रूप जो है वह है गीति काव्य। बिसलदेव रासो जो है एक गीति काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वह हैं सुमन राजे। तो ये था आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हमारे चैनल पर बने हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।